हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ड्राइव ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज़ प्रमोद एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। गाइस, वी आर इनटू सीएनजी बिजनेस सिंस 2011। ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी हुई है, ये है मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर, जो कि 2014 का मॉडल है। इस गाड़ी के अंदर जो ये जो गाड़ी है, ये ऑटोमेटिक वर्जन है। बहुत कम बंदों की चॉइस थी स्विफ्ट डिज़ायर ऑटोमेटिक लेना, और जिन्होंने भी ये गाड़ी ली है, बहुत बेहतरीन चलती है। नॉर्मली ये देखा जाता है मार्केट के अंदर, जो ऑटोमेटिक वर्ज़न है वो 1400 सीसी से ऊपर की गाड़ियों में ज़्यादा कामयाब होते हैं, छोटी गाड़ियों में कम अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। बट गाइस, ये जो गाड़ी है, मैं एक बार फीडबैक लूँगा कि पेट्रोल पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। मेरे ख्याल से 5 से 6 साल हो चुके हैं चलाते चलाते, और इस गाड़ी में किट लगाए हुए हमने, इसमें सिक्वेंशियल किट लगाई है, और ऑलमोस्ट इसमें 1 से 2 महीने हो चुके हैं। तो मुझे लगता है 1 से 2 महीने का टाइम बहुत सफिशिएंट टाइम होता है एक फीडबैक लेने के लिए कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। सीएनजी किट की जब बात की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं इसके अंदर, कि गाड़ी में जर्क प्रॉब्लम है या नहीं है, एवरेज कितना हाइक हुआ है, बिकॉज जो सीएनजी लगाई जाती है वो एवरेज को लेकर लगाई जाती है। आपकी नॉलेज में मैं डाल देता हूँ, जितने भी ऑटोमेटिक वर्जन है सबके अंदर एवरेज एज़ कम्पेयर टू मैनुअल कम आता है, और काफ़ी फ़र्क होता है इसके अंदर पेट्रोल पे। गाइज, ये जो किट लगाई है, ये हमने BRC का जवोली लगाया हुआ है। आप जवोली बहुत प्रीमियम ट्रेडमार्क है BRC का। BRC जो है रोहन BRC के नाम से इंडिया में रजिस्टर्ड है ये, और ये दो वेरिएंट में किट आती है इनकी, एक GFI आता है, एक जवोली आता है। जवोली थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जिसका दिल्ली में अप्रूवल नहीं है, इसका दिल्ली से बाहर अप्रूवल्स हैं। जो GFI है और जवोली में फ़र्क क्या है कि जो जवोली है उसमें शॉकेट टू शॉकेट वायरिंग अपने को मिल जाती है, थोड़ा सा 3,500 कॉस्टली पड़ती है ये। शॉकेट टू शॉकेट वायरिंग में ये बेनिफिट है कि किसी भी तरह की वायरिंग कटिंग नहीं होती है। आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये जितनी भी वायरिंग है ये अपने को पीछे से वायरिंग मिली हुई है, ये कंप्लीट सॉकेट टू सॉकेट है, इसमें कहीं से भी कोई वायरिंग कटी नहीं है। ये कार के अकॉर्डिंग वायरिंग आती है। यानी दूसरा बेनिफिट ये है, जो इंजेक्टर्स लगाए हुए हैं, ये जवोली के अंदर रेल कंपनी के इंजेक्टर्स हैं, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, IG1 की रेल है ये। तो ये दो बेनिफिट हमें मिले हुए हैं। और एक जो और बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि इसके अंदर एमर का रिफिलिंग वॉल्व आता है। तो 3 चीज़ हैं जो कि थोड़ा सा अपने आप को इस किट को अलग बनाती हैं। तो गाइज़, ये तो रही किट की बात। पीछे रिड्यूसर लगा हुआ है, फिटिंग विटिंग सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं किस टाइप की फिटिंग की हुई है हमने। और इसके अलावा ये हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट लगाया हुआ, विच इज़ कॉल्ड एडवांसर, ये किट का पार्ट नहीं होता है। तो गाइज़, इस पर स्टीकर कुछ भी आ सकता है। इसमें फ़िलहाल मोटोजन का स्टीकर है, तो इसका मतलब ये नहीं है मोटोजन ने डिज़ाइन करके दिया हुआ है, मोटोजन बस ब्रांडिंग कर रहा है इसकी। स्टिकर्स जो हैं वो बाहर से आते हैं, आपके एडवांसर जो हैं वो बाहर से आते हैं। और ये तो रहा आपका फिटिंग का। अब हम बात करते हैं कि जब पीछे की साइड से फिटिंग कैसी हुई है। तो गाइस, ये पीछे की साइड से फिटिंग बहुत अच्छी हुई है, ये प्रॉपर क्लैंपिंग की हुई है, बहुत अच्छा स्टैंड लगाया हुआ है इसके अंदर। ये हमारा ब्रांडिंग, हमने ये कवर लगाया हुआ है। इसमें जो सिलेंडर लगाया हुआ है, ये 14 kg का सिलेंडर है। इस गाड़ी के अंदर 12 की भी फिटिंग अच्छी आती है, 14 की भी आती है, 12 में थोड़ा और स्पेस मिल जाता, ये लगेज हम इस पर कितना भी लगेज रख सकते हैं। तो गाइस, ये तो रहा हमारी फिटिंग का। अब हम जरा एक बार फीडबैक लेते हैं गाड़ी ड्राइव करके, कि इसमें चलती हुई गाड़ी कैसी चल रही है, और एक कस्टमर से फीडबैक भी लेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये ऑटोमेटिक वर्जन है। और मेरे पास भी बहुत कम गाड़ियां आती हैं जो डिज़ायर ये इस टाइप की गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है। सर, मैं आपकी गाड़ी में किट लगे हुए कितना टाइम हो गया? मुझे अप्रोक्सली इस कार में किट मैंने अक्टूबर में लगवाई थी। अच्छा, स्टार्टिंग में, और एक महीना हो गया है, ऑलमोस्ट 1 महीना क्रॉस हो चुका है आपकी गाड़ी में। हो चुका है, और 1 महीने में मैंने अप्रोक्सीमेटली इस गाड़ी को 4,000 किलोमीटर चला लिया है। अच्छा, जब से CNG फिट हुई है। जी जी जी। और मुझे अभी तक कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा है कि मैंने पेट्रोल में गाड़ी चलाई है, CNG में गाड़ी चलाई है। सर, ऐसा बोला जाता है कि ऑटोमेटिक जो है उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है। मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैं बिल्कुल पेट्रोल में ही गाड़ी चला रहा हूँ।
सर एक तो ब्रांड बहुत अच्छा चूज किया, इससे भी बहुत फर्क अच्छा पड़ता है सर, इससे भी फर्क पड़ गया है। आपने जैसा बताया बीआरसी अपने आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऊपर से ट्रेडमार्क ज़वोली का ले लिया आपने। तो सर एक चीज आपको यहाँ पर ये भी ऐड करनी होगी कि आपकी जो माइलेज जो है पेट्रोल पे ये कितना था और सीएनजी पे कितना हो गया है। पेट्रोल में अगर मैं बताता हूँ आपको तो 11 का एवरेज देती थी पहले मुझे ये, अच्छा, और अब नावडेज अभी मुझे दे रही है नॉन एसी में 25-26 का एवरेज आ रहा है सिटी में। वैसे सर जो हम एक थंब रूल बोलते हैं ना वो ये बोलते हैं कि जो पेट्रोल पे माइलेज आती है उसका 50% या 60% हाइक हो जाता है, बट अगर हम आपकी बात को लेते हैं तो ये तो बहुत जबरदस्त माइलेज बढ़ गया इसके अंदर। और एसी में भी बहुत अच्छा एवरेज आया है, 23 का आया है, 22-23 का, तो डबल से भी ज्यादा हो गया सर ये। बिल्कुल बिल्कुल। और लॉन्ग में भी मैं लेके गया हूँ तो ऑन एन एवरेज जो मेरा निकला है वो 29-30 का एवरेज निकला है। 29-30 का तो ये तो बहुत, बिल्कुल मुझे दो बार सीएनजी फिल करानी पड़ी, 600 किलोमीटर का रन था मेरा जिसमें मुझे कुल दो बार सीएनजी फिल करानी पड़ी। अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया एक अचीवमेंट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं रहा है, कुछ नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है कि मैंने अपनी लाइफ में कम से कम फर्स्ट टाइम मैंने मतलब एक महीने में 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी। अच्छा तो बढ़िया है सब, बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है। तो गाइज ये तो रहा एक फीडबैक की, ऑनर का फीडबैक जो हमने लिया है एक महीने का, अगर एक अच्छी किट चूज की जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है। तो गाइज इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।